नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भावी अग्निवीरों का उत्साह देखने योग, जिला मुख्यालय में हुआ जुटान। पलामू से 50 महादलित परिवारों को बेदखल करने का मामला गरमाया, मंगलवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन। पड़ोसी जिले में आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए हुई बैठक। जनसंख्या नियंत्रण और प्रदूषण मुक्त भारत की मांग को लेकर 75 सदस्य साइकिल रैली दिल्ली कूच। और साइक्लोनिक मौसम ने शहर को किया तर, लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर के कई स्थानों पर जलजमाव से लोग परेशान। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। सेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों का जमावड़ा मंगलवार को जिला मुख्यालय में दिखा। ये सभी भावी अग्निवीर हैं जो मुख्यालय में चरित्र प्रमाण पत्र लेने पहुंचे और काफी जोश और उत्साह में नजर आए। जिला मुख्यालय में सेना को ज्वाइन करने वाले अग्निवीरों का जमावड़ा मंगलवार को देखा गया। ये भावी अग्निवीर अपना चरित्र प्रमाण पत्र लेने आए। इस दौरान SSP ऑफिस में भागम भाग करते नजर आए। पुलिस जवान उन्हें संभालने में लगे हुए थे। दरअसल केंद्र सरकार ने आर्मी सेना में बहाली को लेकर अग्निवीर योजना लागू की है। शुरुआत में तो इस योजना का देश भर में खूब विरोध हुआ, कई ट्रेनें तक आग के हवाले कर दी गई। इसी बीच समय के साथ ये मामला थम गया और अब युवा वर्ग इस योजना को कारगर बताते हुए अग्निवीर बनने के लिए उत्सुक नजर आए। SSP ऑफिस पहुंचे कुछ युवाओं से हमने बातचीत की। उनका कहना है कि ये 4 साल का ये नौकरी काफ़ी लाभदायक है। 4 साल के बाद हम कहीं भी फिर से नौकरी कर सकते हैं। इस अवधि में हमको पूरा प्रशिक्षण मिलेगा और हम देश की सेवा कर सकते हैं। ये अच्छा मौका है। सर, यहाँ पर सर्टिफिकेट लेने आए हैं, प्रमाण पत्र जी। कहाँ अप्लाई किए हैं आप? जी, सर, टेल्को थाना से अप्लाई किए हैं। टेल्को थाना? नहीं, ये किस नौकरी के लिए अप्लाई किए? सर, इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए। अग्निवीर जी, कैसा है ये अग्निवीर का योजना? सरकार का किस तरह का योजना है? सर, योजना तो ठीक है, पर सर वे खाली 4 साल के लिए है। 4 साल के बाद हमें काफ़ी दिक्कत होगी। इसके बाद सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जॉब का। 25% का उसमें भी चयन किया जाएगा? जी जी सर, वो तो अभी कहने के बाद अभी देखना पड़ेगा कि वो किन्हें रखते हैं किन्हें छोड़ते हैं। करेक्टर के लिए आए हैं, यहाँ डुमरिया थाना से आए हुए हैं हम लोग करेक्टर लेने के लिए। हाँ, करेक्टर मिल गया हम लोग को अभी। बाकी जिनको नहीं करेक्टर यहीं आके अप्लाई किया था हम लोग। फिर थाना वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, फिर थाना से वेरिफिकेशन किया, इसके बाद यहाँ आज लेने के लिए आए हुए हैं। अप्लाई किए हैं आप लोग? आर्मी के लिए किए हुए हैं। आर्मी के लिए? हाँ, उसी के लिए। कैसा है ये योजना? कैसा है योजना? स्कीम अच्छा है, 4 साल के लिए अभी कर दिया गया है। 4 साल बाद 25% रखेगा वहाँ, और जितना 75 है उनको हटाएगा, और उनके लिए भी आरक्षण किया हुआ है, बाकी कंपनियों में उन्हें जॉब मिलेगा। उधर पलामू में एक गांव से पिछले दिनों 50 महादलित परिवारों को बेदखल करने का मामला अब गरमाने लगा है। इसके विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा मंगलवार को राज्यव्यापी धरना व प्रदर्शन किया गया। पलामू के मुरु मातू गांव में पिछले दिनों 50 महादलित परिवारों को गांव से बेदखल किए जाने के मामले को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा मंगलवार को पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों पर राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल के नाम उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र सौंपा है। पीड़ित महादलित परिवारों को पुनर्वासित करने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। पलामू में एक घटना घटी जहां अनुसूचित महादलित परिवार के 50 घरों को बेघर कर दिया गया। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज उसी के संदर्भ में हम लोगों ने DC कार्यालय जमशेदपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग मांग करते हैं एक राज्यपाल के द्वारा आपका जरिए कि जल्द से जल्द इस घटना को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करें। मंगलवार को पुलिस कप्तान आनंद प्रकाश ने सरायकेला खरसवा जिले में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर सभी माथत अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग करते हुए सभी विवेचना कार्यों को ससमय निपटाने का निर्देश दिया है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने कार्यालय मीटिंग कक्ष में सभी थाना अध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग की। क्राइम मीटिंग में सभी सर्किल इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष के अलावा पुलिस उपाधीक्षक चांडिल, SDPO संजय सिंह भी मौजूद थे।
क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित थाना अध्यक्षों को जल्द से जल्द विवेचना कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। SP आनंद प्रकाश ने दशहरा पर्व पर मंचलों, हुड़दंग मचाने वालों और सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने दशहरा पर विशेष गश्ती चलाने का भी निर्देश दिया है। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी सुनी और निस्तारण का भरोसा भी दिलाया। जनसंख्या नियंत्रण और प्रदूषण मुक्त भारत की मांग को लेकर उड़ीसा से 75 सदस्यों की साइकिल रैली राष्ट्रपति भवन के लिए निकली है। मंगलवार को उन्होंने अपने दूसरे पड़ाव चांडिल से कूच किया। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और प्रदूषण मुक्त वातावरण की मांग को लेकर उड़ीसा से 75 सदस्यों का साइकिल रैली चांडिल पहुंचा, जहां से रैली दिल्ली के लिए रवाना हुआ। आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर बागा जातीन समृद्धि परिषद बलियापाल जिला बालेश्वर बलियापाल गांव उड़ीसा से 75 सदस्य उड़ीसा से साइकिल से दिल्ली राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुआ है। रुचाप स्थित नौरंगाय सूर्य देवी सरस्वती विश्व मंदिर में सभी सदस्यों ने रात्रि में विश्राम किया था। मंगलवार को साइकिल रैली में शामिल सदस्यों ने भारत माता की उद्घोष के बाद चांडिल डैम रोड होते हुए NH 33 पर रवाना हुए। भारत माता के वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हम लोग उड़ीसा से आए हैं, दिल्ली जाएंगे। साइकिल शोभा यात्रा में जो तिरंगा तिरंगा फ्लैग लेकर जा रहे हैं, ये भारत का 75 साल जो स्वाधीनता आज़ादी का तिरंगा महोत्सव मना रहे हैं, इसीलिए हम लोग उड़ीसा से बालेश्वर जिला बालियापुर से निकला हूँ। 20 दिन का प्रोग्राम, हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाने तक रास्ते में और जो हमारा संगठन का मैसेज है, ये जनसंख्या नियंत्रण मुक्त प्रदूषण। एक समय ऐसा था कि लगा जिला सुखाड़ की चपेट में है, पर देखते ही देखते मौसम का रुख ऐसा बदला कि बाढ़ की नौबत आ गई। फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी से उठे निम्न दबाव के चलते पिछले 2 दिनों से कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश ने पूरे शहर को तर बतर कर दिया है। शहर में लगातार दूसरे दिन बारिश का कहर देखा गया। इस दौरान पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे और कुल 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो राज्य में सबसे अधिक है। इसके बाद चक्रधरपुर में 51.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जमशेदपुर में बारिश का सिलसिला रविवार की रात से ही शुरू है और सोमवार तक और मंगलवार तक रुक रुक कर बारिश जारी है। इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान में गिरावट आने से लोगों को हल्की ठंड का एहसास हुआ। बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है। इस दौरान हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 54 व न्यूनतम 93% रही। पूर्वी सिंहभूम जिले में मानसून के इस सीजन में अब तक 1068 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। यह औसत से 10% अधिक है। पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई है। मौसम विभाग केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि सोमवार और मंगलवार सुबह झारखंड में बना निम्न दबाव का रुख साउथ छत्तीसगढ़ होते हुए दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश पहुंच गया है। इसी कारण राज्य में डिप्रेशन कमजोर पड़ा है। झारखंड में अगले 2 दिनों तक औसत बारिश जारी रहेगी और 17 तारीख से राहत मिल सकती है। 10 साल हो गए आप लोग देख रहे हैं कि जब बारिश आती है इस तरह नाला ऊपर जोर फ्लो करता है। अभी आप देखिए कि स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पानी से बीच में घुस के आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा बह जाता है तो नाले में चला जाएगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसको सरकार को भी देना चाहिए, ट्रीटमेंट कंपनी को भी देना चाहिए, ऊँचे स्तर पर इसका व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बरसात से आदमी को बचाया जा सके। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज की अब नई टीम सामने आ गई है। चुनाव के बाद रामविलास शर्मा ने अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाल ली है और उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट कर चलना ही उनकी प्राथमिकता है। इस बार गुप्त मतदान था, काफी लोगों में उत्साह था, काफी जितने उत्साह के साथ इस मतदान में सहभागिता दिखाई, उसी तरह सभी पूजा में भी शामिल हो,
जो नाराज उनको कैसे मनाइएगा? चुनाव देखिए, चुनाव की प्रक्रिया चलती है, चुनाव के पहले तक लोग नाराजगी रहती है और चुनाव खत्म होते ही सारी, मुझे लगता है सारी नाराजगी अपने आप खत्म हो जाती है। शुरुआत कहाँ से करिए काम का? शुरुआत तो आज हम लोग पहली बैठक कर रहे हैं, विश्वकर्मा पूजा का सफल करेंगे और जितने मतदाता हमारे आए थे उन सबको आपके द्वारा इनको निमंत्रण दे रहे हैं कि सभी लोग पूजा में उपस्थित हो और एक सफल पूजा हो। अब ये केस क्या कॉम्प्रोमाइज का इसमें डालेंगे? इस पे ऐसे अभी कुछ ऐसी कुछ बातें नहीं हुई है चर्चा, चाहे हमको मुझे नहीं लगता कि ये केस को भी कुछ बात आगे बढ़ेगी, सब आपस में बैठ कर हम लोग हल। समाज का अपना तो हल है, लेकिन और कहाँ का कुछ बनाने का योजना है? अभी जैसे एक मंदिर जो हमारा नवनिर्माण हो रहा है जुखलाई, जो हमारे जितेंद्र जी के उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहाँ काफी कार्य चल रहा है, प्रिंटिंग मीटिंग चल रही है और ये प्रयास रहेगा कि हम लोग नई कमेटी आएगी जो 16 क्षेत्रों में। बिष्टुपुर स्थित चेंबर भवन में मेगा ट्रेड लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जमशेदपुर के तीनों निकायों के अलावा आदित्यपुर नगर निगम ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस बनाने में दिक्कतों को दूर करने हेतु एक ही छत के नीचे तमाम सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु इस कैंप का आयोजन किया गया। यह नया ट्रेड लाइसेंस एवं रिन्यूअल दोनों ही कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है। शहर के तीनों निकाय क्षेत्र सहित आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के व्यापारी यहां पहुंचकर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। सिंहभूम चैम्बर के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो कैंप को 2 से 3 दिवसीय भी किया जाएगा। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी, मानगो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जुगसलाई नगर पालिका और आदित्यपुर नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में एक मेगा ट्रेड लाइसेंस का कैंप आयोजन किया जा रहा है चैम्बर भवन में, जिससे कि सभी व्यापारी सुगमता के साथ आकर के एक ही छत के नीचे चैम्बर भवन में अपना ट्रेड लाइसेंस नया बनवा सकें या रिन्यूअल करा सकें। इस सुविधा हेतु चैम्बर भवन में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सभी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी, मानगो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जुगसलाई नगर पालिका और आदित्यपुर नगर निगम के विशेष पदाधिकारियों का, जिन्होंने ये सामंजस्य बैठा करके चैम्बर भवन में आज मेगा ट्रेड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया है। राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत लेकर पोटका क्षेत्र के लाभुक पहुंचे राशन विभाग। ये सभी कालिकापुर गांव के निवासी हैं और उनका कहना है कि राशन डीलर उन्हें धमकियां दे रहा है। ये दर्द है जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के कालिकापुर गांव के ग्रामीणों का, जो पिछले कई महीनों से वहां के पीडीएस राशन डीलर की मनमानी से परेशान है। शिकायत के लिए 50 किलोमीटर मुख्यालय राशन विभाग पहुंचे। इनकी परेशानी है कि उनके क्षेत्र में डीलर उनको राशन एक माह गैप कर देते हैं, वो भी सरकार द्वारा दी जाने वाली फ्री राशन नहीं देते हैं। किसी को 1 किलो तो किसी को आधा किलो, किसी को बोला जाता है कि अगले माह आओ, जिससे उनका परिवार चलाना मुश्किल हो जा रहा है। इस परेशानी को लेकर कई बार जिला राशन विभाग से शिकायत की गई, मगर उस डीलर का कुछ नहीं हो पाया है। धमकी देता है, हम लोग ऊपर जाएंगे तो बोलता है क्या होगा, क्या करेगा, पोटका जाओ, डीसीओ भी जाओ, कहीं भी जाओ, हमको क्या होगा, क्या करेगा, हाँ क्या क्या करेगा। हम लोग पूछते हैं कि इस महीना का चावल काहे नहीं दे रहा, नहीं देंगे, नहीं आया है, कब आएगा वो तो नहीं मालूम, जब आएगा तब देंगे बोलता है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स याफी ई मोटर्स, एन एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम, टॉप परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, स्लीक क्लासिक डिजाइन एंड लोडेड विद अमेजिंग फीचर्स। जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी, जो आ चुके हैं एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर, जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है, जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बेल्लिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है।
So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi, e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक्स, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। All types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family.